इधर अभी बारिश शुरू हो गई है तो जल्दी जाना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी। अरे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपको जैसे वादा किया था वैसे आज जाने वाले हम झुलपड़ी डैम जाने वाले हैं, तो चलिए हमारे सफर अभी चालू होगा। तो चलिए आगे जाकर आपको दिखा दें कैसा डैम है क्या है, तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम जाने वाले थे इधर से, मतलब हमें लगा कि गाड़ी अंदर जा सकती थी, लेकिन इधर से रास्ता वगैरह सब कुछ बंद है, बहुत बड़े तार लगे हुए इधर, तो रास्ता बंद है, इसकी वजह से हमें जाना पड़ेगा अभी आगे से, आगे गाड़ी लगा कर गेट पे, इधर इस रास्ते पे चल के आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ गया उधर नीचे, उधर से जाने में बहुत देर लगेगा, तो हम जुगाड़ से इसके ऊपर से जाने वाले हैं, जुगाड़ करके हम इसके ऊपर से जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो मैं इधर इसके ऊपर से आ चुका हूँ, तो चलिए अभी इस साइड डैम है, तो चलते हैं डैम की तरफ। तो मैं इधर ऊपर से चल रहा हूँ, लेकिन हवा बहुत आ रही है यहाँ, अभी फिलहाल बारिश होगी यहाँ, इसकी वजह से हवा बहुत आ रही है इधर, आप देख सकते हैं मैं इधर से चल रहा हूँ। आपको जाना है उधर उस साइड, हमें जाना है जो पीला पीला से दिख रहा है ना, वहाँ तक जाना है हमें। तो चलिए चलते, बारिश होने से पहले जाने का पड़ेगा, छाता भी नहीं लाया हमने। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मतलब पेड़ का इधर आकर बहकर आया पानी से, ये लोग आप देख सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ इधर नीचे, अभी पानी की इस हाल में है, देखो इधर तक पानी भरा है, इस मीटर दिखा रहा है इधर, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ बहकर आ गए, ये वाला एक है मतलब उधर का भी एक है। इधर अभी बारिश शुरू हो गई है तो जल्दी जाना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी। अरे गाइस मैं अभी नीचे से आ रहा था तो अचानक से मैं व्लॉग में मेरा पैर फिसला और मोबाइल नीचे गिर गया, मुझे लगा कि पानी में चला गया, लेकिन पानी में नहीं ऊपर पत्थर में फंसा गया था। ओ यार बच गया, आज मोबाइल चला जाता तो आगे का व्लॉग भी नहीं बना सकता था मैं, मेरे पास एक ही मोबाइल है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, इधर से सीढ़ियाँ की है इधर से, तो चलिए हम अभी जाते हैं ऊपर। तो इधर से आ चुका हूँ मैं ऊपर, देख सकते हैं इधर से चलने के लिए इधर है, इधर से चलना चलकर जाना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा है, आप इधर भी देख सकते हैं कितना मतलब खूबसूरत दिख रहा है। इधर से पानी गिरता है जब ऊपर हो जाता है ना, तो इधर से पानी गिरता है, और फिलहाल बंद क्या हुआ है, अभी पानी नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, मतलब थोड़े नीचे से होल है वहाँ से आ रहा है पानी। और इधर का व्यू आपको देखने लायक है, ओ भाई ये देखो कैसे दिख रहा है इतने ऊपर से, मैं सीधे इस ढलान के ऊपर ही खड़ा हूँ, कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये देखो इधर भी है, अभी इधर एक दीवार है, उसके बाद में और एक है, इधर से भी पानी गिरता है, दरवाज़ा इधर है, देखिए इधर से भी नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, इधर भी देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है ये। चल आप देख सकते हैं मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, आप देख सकते हैं इधर से भी पानी आ रहा है, तीन दरवाजा इस डैम को, इधर से नीचे से ढलान है जैसे पानी आगे जाता है, तो चलिए बहुत डरावना है यार यहाँ, इधर से आगे चलते हैं, चलने के लिए जगह बहुत है लेकिन मतलब नीचे दिखते ही डरावना लगता है।
तो इधर मैं आ चुका हूँ, लेकिन आगे से रास्ता बंद है। एक सेकंड, आगे से रास्ता बंद है। तो इधर थोड़ा आगे जाकर देखेंगे, आगे से रास्ता बंद है, तो चलिए वापस जाना पड़ेगा इधर से। बहुत डेंजर सिचुएशन में हुई है, तो चलिए आगे जाके ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं आपको कि ऊपर कैसे दिखाई देता है। भाई उधर से आ रहा था तभी बारिश चालू हो गई अचानक से, तो चलिए हम नीचे उतरना, हम जाएंगे सीढ़ियों से ऊपर और जाएंगे ऊपर से। ऊपर से रास्ता है, उधर से हम जाएंगे और ऊपर का भी व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं और उधर से कुछ ऐसा ही नज़ारा है देखो। तो चलिए आगे चलते हैं और जो मकान जैसा बना है वहाँ ऊपर जाकर कुछ खा पी लेते हैं। तो हम इधर से ऊपर आ चुके हैं, इधर हम थोड़ा खा पी लेंगे। इधर से भी आपको व्यू देखा देता हूँ, इधर से कुछ ऐसा व्यू है। हम जहाँ नीचे जाकर आए थे ना उससे भी ऊपर है। तो हम उधर थोड़ा खा पी के आ चुके हैं, इधर तो हम अभी जा रहे हैं उधर उस साइड जो लोकेशन है वहाँ फ़ोटो निकालेंगे थोड़े और चलेंगे आगे। फिर से जा रहे हैं हम, पूरा पैर गीला हो गया है, देख कितना कीचड़ है। तो हम वहाँ से आ चुके हैं, बहुत सारा कीचड़ था। अब हम यहाँ से घूमकर जाने वाले हैं उस साइड, करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इधर से झूम करके दिखा देता हूँ आपको। हमें जाना है इधर, आपको जो ये बार्स दिख रहे हैं ना इधर, उधर जाना है हमें। तो चलिए जल्दी चलते हैं। इधर इधर कुछ जानकारी के लिए लिखा है, इधर बोर्ड लगा हुआ है इधर। चलिए चलते हैं आगे, बहुत दूर जाना है, वहाँ तक जाना है हमें। ये आप इधर देख सकती, बकरियाँ खा रही हैं घास। तो चलिए चलो। हेलो गाइज, अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक करना और एक अच्छी सी कमेंट करना। तो चलिए चलते आगे, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहेगा हमको। तो आगे जाकर हमें फ़ोटोशूट भी करना है, मेरे मोबाइल में करेंगे, हमारे पास कोई कैमरा नहीं है। तो चलिए चलते आगे, वहाँ से आ चुके हैं इधर तक, उस रास्ते से आगे साइड से देख सकते बड़े बड़े कुछ क्या है इधर, मतलब लोहे का बना है सब कुछ, बहुत भारी लोहा है ये। नीचे मुड़ा पड़ा है, चलिए हमें आगे जाना। तो आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर लगा है ताला, अब अंदर कैसे जाएंगे। तो इधर से मैं अंदर आ चुका है, लेकिन यहाँ मतलब हवा बहुत ज़्यादा है। आ चुका हूँ इधर, लेकिन बारिश भी थोड़ी देर में आने वाली है, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाकर आएंगे। आपको दिखा देता हूँ वहाँ, फोटो इधर निकालेंगे और चलेंगे। आपको सूरज भी देख सकते हैं कैसे हुआ है, बैक कैमरा से दिखा, ये आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है यहाँ से। ये देखो इधर नीचे भी कुछ है। तो चलिए गाइस मैं जा रहा हूँ आगे, आगे जाकर आया लेकिन बारिश आ गई, तो वापिस जाना पड़ेगा अभी। तो हम जाएंगे वापिस, ये देख सकते बारिश की वजह से कुछ फीका फीका सा नजर आ रहा है वहां से। चलिए बारिश आ चुकी है, जल्दी से यहां से निकलते हैं। चल कर आ चुके हैं, बारिश भी काफी कम हो गई है, धूप निकल कर आई है, देख सकते धूप निकल कर आ गई है। तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। ब्लॉग पसंद आया होगा